सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाटेक्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम दिखाने वाले हैं AMD के Ryzen 5000 सीरीज़ के प्रोसेसर आज मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, जो उन्होंने करीब 3 हफ्ते पहले अनाउंस किए थे। तो अभी ये आपको मार्केट में हर जगह नहीं मिलेंगे, करीब आपको 2 या 3 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, तभी आपको हर जगह अवेलेबल हो पाएंगे बड़ी बड़ी मार्केट्स में, जैसे नेहरू प्लेस है। और देख लेते हैं उन्होंने कौन से प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं और उनकी कैसे स्पेसिफिकेशन या प्राइसिंग और उनके कैसे परफॉर्म करते हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो गाइस, इस बार AMD ने अपने नए 4 प्रोसेसर्स को लॉन्च किया है। तो पहला प्रोसेसर जो इन्हें AMD ने आज लॉन्च किया है वो है Ryzen 5 5600X, जिसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड इनबिल्ट नहीं मिलेगा। इसमें जो कोर्स है वो है 6 और जिसमें थ्रेड है वो है 12। इसी जो बेस क्लॉक है वो 3.7 GHz और जो मैक्स बूस्ट क्लॉक है वो है 4.6 GHz। और इसमें थर्मल सॉल्यूशन वो है wraith स्टेल्थ, जो एक ठीक ठाक थर्मल सॉल्यूशन है। और इसका TDP है वो 65 W। और बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ये ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर नहीं है, तो इसकी प्राइसिंग है वो 22,990, जो एक मिड एंड प्रोसेसर के लिए अच्छी है, बट ये मिड एंड होने के बावजूद ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और बात कर लेते सेकेंड प्रोसेसर की, वो है Ryzen 7 5800X। इसमें भी आपको ग्राफिक कार्ड इंक्लूडेड नहीं है। इसमें जो आपको कोर्स मिलेंगे वो है 6 और इसमें थ्रेड है वो है 16। और इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 3.8 GHz और इसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो है 4.7 GHz। इसमें आपको कोई थर्मल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको अलग से कूलर मास्टर वगैरह का लेना पड़ेगा। और इसमें TDP है वो है 105 W। और इसका जो प्राइस है वो 35,000 करीब, मान लो आपको 34,490 इसका प्राइस है। जो थर्ड प्रोसेसर वो है Ryzen 9 5900X। इसमें आपको ग्राफिक कार्ड मॉडल अवेलेबल नहीं है। और इसका जो कोर्स है वो है 12 और इसमें थ्रेड मिलते हैं वो है 24। और इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 3.7 GHz। और वहीं इसकी बूस्ट क्लॉक की बात करें वो है 4.8 GHz। इसमें आपको थर्मल सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। इसके TDP है वो है 105 W। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग सकता है अगर आप एक लो बजट में हैं, वो है 41,990, तो करीब 42,000 इसका प्राइस है। और वहीं बात करें तो इनका लास्ट एंड द बेस्ट प्रोसेसर अभी इनका Ryzen का अवेलेबल है, वो है Ryzen 9 5950X। इसमें आपको ग्राफिक कार्ड नहीं है अवेलेबल। इसमें जो कोर्स है वो है 16 और इसमें थ्रेड है वो है 32। इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 3.4 GHz और वहीं इसकी बूस्ट क्लॉक जो है वो है 4.9 GHz। बट इसमें आपको थर्मल सॉल्यूशन इसमें भी अवेलेबल नहीं है। इसमें TDP है वो 105 W। इसका प्राइस सबसे ज़्यादा है, इसका प्राइस आपको करीब 61,000 इंडियन रुपीज़ में। ये सिर्फ सारे प्राइसेस हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बट ये लीक्स हैं कुछ साइट्स पे, ये आ चुका है तो मैंने उन्हीं के हिसाब से बताया, पर इनका प्राइस यही होने वाला है, ज़्यादा होगा नहीं। तो गाइस, बात कर लेते हैं इनकी बेंचमार्किंग के लिए। तो गाइस, बेंचमार्क देखने के बाद ये पता चलता है कि Ryzen 3rd जनरेशन से और Ryzen 5th जनरेशन पर काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है प्रोसेसिंग यूनिट में। और इस बार AMD ने ये भी बोला है कि अगर आपको कोई भी CPU हैवी टास्क करना है तो ये प्रोसेसर हमारे आराम से झेल लेगा। बट इसका प्राइसिंग थोड़ी सी ओवर प्राइस है इस AMD की पुरानी जनरेशन के हिसाब से। तो गाइस, यही थी वीडियो, कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, घंटे के आइकन को जरूर दबाना, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर मिल पाएंगी। और कोई से कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकता है या मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकता है। तब तक के लिए बाय गाइस।